हे गाइस, माय नेम इज वीरेन सिंह। वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। हमारे साथ जुड़ते रहिए और क्रैक करते रहिए किसी भी एग्जामिनेशन को स्मार्टली एंड कॉन्फिडेंटली। हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आते रहेंगे ताकि आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें। आप इसी तरीके से अपने प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हे गाइस, वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है वीरेन सिंह। आप जुड़े हुए हैं डीबीटी जेआरएफ के क्रैश कोर्सेज में। हम कई सारे वीडियोस डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है वो अच्छी बन सके। तो इस वीडियो में मैं एक लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, जो मैंने आपसे कहते हैं इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी थी, तो उस चीज़ को मैं करेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने उस क्वेश्चन को ठीक से सोचा कि वो क्वेश्चन उतना उस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यही वो क्वेश्चन है जो कि पिछले सेशन में मैंने बता दिया था। तो इसमें क्या है कि आपको इस क्वेश्चन को लर्न करने के लिए यहाँ पे बेस सीक्वेंस दिया हुआ है, कि एक बेस सीक्वेंस दिया हुआ है, दैट बेस सीक्वेंस ऑफ द शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए इज AGCTTACG ड्यूरिंग द रिप्लिकेशन अ ट्रांजिशन म्यूटेशन अकर्स इन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में हो रहा है ऑन द पीस ऑफ डीएनए। कहाँ पे हो रहा है? डीएनए पे हो रहा है। जब ये डीएनए पे हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेटेड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो अगर डीएनए है तो यूरासिल आने का चांस ही नहीं है भाई। अगर डीएनए है तो यूरासिल आने का चांस ही नहीं है। यूरासिल कैसे आ सकता है? यूरासिल आरएनए में आता है, तो फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही गए हो। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये केस जो है कैसे समझना है। तो जिसको ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन पता नहीं है तो ध्यान रख लेना कि म्यूटेशन जो हो सकते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। दैट म्यूटेशन कैन बी ऑफ टू टाइप, दो तरीके से हो सकते हैं। एक होता है ट्रांजिशन, ठीक है, वन इज लाइक ट्रांजिशन, और दूसरा होता है ट्रांसवर्जन। वन इज लाइक ट्रांजिशन और दूसरा होता है ट्रांसवर्जन, दूसरा होता है ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन का मतलब होता है प्यूरिन से प्यूरिन में कन्वर्ट होना, या पिरिमिडिन से पिरिमिडिन में कन्वर्ट होना। इंटरचेंज नहीं हो सकता है ट्रांजिशन का मतलब। लेकिन ट्रांसवर्जन जो है ये इंटरचेंज होता है, ट्रांसवर्ज करता है, अपना नेचर चेंज करता है। प्यूरिन विल बी कन्वर्टेड इनटू द पिरिमिडिन एंड पिरिमिडिन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द प्यूरिन। तो ये बाई डायरेक्शन हो जाता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन इंटरचेंज होते हैं। जिसको पता है प्यूरिन वो अच्छी बात है। प्यूरिन इज लाइक ए एन जी, एडिनिन गुआनिन एंड पिरिमिडिन इज सी टी एंड यू, दिस इज द प्यूरिन और पिरिमिडिन। ये जो है प्यूरिन और पिरिमिडिन का किस्सा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि डीएनए जब भी बनता है तो एक चीज ध्यान देना कि अगर एक स्ट्रैंड डीएनए का 5' to 3' स्ट्रैंड है तो इससे जो सिंथेसाइज होगा वो ऐसा होता है 5' to 3'। दिस इज द नेचर ऑफ डीएनए। ये नेचर इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। यहाँ पे बेसड क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। तो इंड का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। सो अगर इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे, जो पहला वाला क्वेश्चन यही पे था, देखिएगा कि डीएनए का स्ट्रैंड 5 प्राइम क्या दिया हुआ है, ए जी सी टी टी ए सी जी, ये है 3 प्राइम। ये 5' to 3' ऐसे दिया हुआ है। इसका जब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5', इसके बाद आ जाएगा जी की जगह सी, सी की जगह जी, जी उसके बाद आ जाएगा टी, उसके बाद आ जाएगा ए ए, उसके बाद आ जाएगा सी जी सी टी, इसके ये हो जाएगा 5' to 3'। ये जो है अभी 5' to 3' वे में लिखा हुआ है, मतलब बेसिकली 3 to 5' ऐसे लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूँ। ये जो है टेम्पलेट था, ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री था। अब कॉम्प्लीमेंट्री को थोड़ा सा रिवर्स में लिखते हैं 5' के केस में। तो 5' में ये चीज उल्टी लिख दीजिए, सी जी टी ए ए जी सी टी, ये 5' to 3' है। अगर इसको मैच कराएंगे तो ये जो मैच करेगा सिर्फ और सिर्फ आपके मैच करेगा थर्ड वन से। बाकी जो है देखिएगा ये उल्टे ऑर्डर में लिखे हुए हैं। ये जो ऑर्डर लिखा है 3' का लिखा हुआ है, यहां से देखिए 3' का लिखा हुआ है, ये भी 3', ये भी 3', और यही जो है एक 5' का है सी जी है। अगर आप देखेंगे तो यही से आपका एक आंसर आ जाने वाला था कि जो 5' to 3' लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है। नॉर्मली जो हम बात कर रहे थे सिर्फ थर्ड ऑप्शन, इसके अलावा आप मैच भी कर सकते हैं थर्ड ऑप्शन से। देखिए थर्ड ऑप्शन से जब मैं मैच करेंगे तो यहां पे लिख देते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, ये देखिएगा सी जी है यहां पे, तो सी देखिएगा सी, फिर उसके बाद जी है, फिर सी है, फिर जी है, फिर ए है, फिर जी सी टी है, ठीक है। यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो टी है,
टी जो है ये सी से ये पिरिमिडिन पिरिमिडिन चेंज है, दिस इज ट्रांजिशन। एडिनिन जो है वो गुआनिन यानी प्यूरिन प्यूरिन चेंज है, तो दीज आर द ट्रांजिशन। तो इसमें यही दो बेसिस पे ट्रांजिशन हुए हैं, यहाँ पे जो दो बेसिस है इन्हीं पे ट्रांजिशन हो गया है, यही जो है वो ट्रांजिशन कॉज कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, इस वाले स्ट्रैंड में हो रहा है, दैट इज थर्ड वन में। और 5' to 3' इंड का ध्यान रखे रहिएगा, तभी आप क्वेश्चन को और इजिली और एक्यूरेट तरीके से कर पाएंगे। तो होप कि आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो लेट स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट एन इंडिविजुअल हैज जीनोटाइप AABBCCDEE एज्यूमिंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद द फ्रिक्वेंटली गैमेट जीनोटाइप ABCDE। नाउ जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं, ऐसा पूछा जाता है, तो ध्यान रखने की कोशिश करिएगा कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है क्रॉस किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, पहले भी बताया हुआ है, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उनके लिए बता देता हूँ कि देखिएगा कि ये होता है, देखिए होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होता है हेटरोजाइगस, और ये होता है होमोजाइगस रिसेसिव। इसको बोलते हैं होमो, इसको बोलते हैं होमो, इसको बोलते हैं हेटरो, इसको बोलते हैं होमो रिसेसिव। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में दो पेरेंट कैसे हैं उससे आपकी प्रोबेबिलिटी बड़ी आसानी से निकल जाती है। मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मैं सिंपल बता देता हूं ट्रिक, क्योंकि मुझे क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है और कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा बता देता हूं। तो ये क्या है कि यहां पे देखिएगा कि अगर दो पेरेंट जो है, दिस इज लाइक वन पेरेंट क्रॉसेस टू पेरेंट, व्हाट शुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेनी। ठीक है, प्रोजेनी क्या होगा। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि अगर पेरेंट, एक पेरेंट जो है वो होमो है और दूसरा पेरेंट भी होमो है। अब ये होमो कुछ भी हो सकता है, आइदर डोमिनेंट या रिसेसिव, आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव, कुछ भी है, होमो है, आइदर दिस वन और दिस वन, होमो है दोनों के दोनों पेरेंट। तो प्रोजेनी में आपसे जो भी पूछा जा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी वन होगी, बिना किसी सोच के, बिना किसी कंफ्यूजन के। अगर दोनों होमो है तो प्रोजेनी जो होगी वो वन ही होने वाली है, इसका कोई सानी नहीं है, कोई भी मतलब वो नहीं है कि एक्सेप्शन नहीं है, सीधा सीधा केस है। आप प्रोजेनी में क्या पूछा जा रहा है उसको देखना भी नहीं है। इसके बाद अगर एक जो है होमो है, अब होमो जो हो सकता है वो डोमिनेंट या रिसेसिव कुछ भी हो सकता है, इसको एक हेटरो से क्रॉस कर रहे हो, अगर हेटरो से क्रॉस करते हो दैट मीन्स दिस वन, तो इसके बाद प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी बिना किसी सोच के, मतलब यहां पर भी चेक नहीं करना। अगर दोनों होमो है तो 1 लिख देना है शांति से, अगर दोनों हेट्रो है तो एक हेट्रो है तो आपको 1/2 लिख देना है शांति से बिना कुछ देखे। लेकिन अगर दोनों हेट्रो हो जाते हैं तो आपको चेक करना पड़ता है कि प्रोजेनी में पूछा क्या है। अगर दोनों हेट्रो हो गए, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, तो चेक करना पड़ता है कि प्रोजेनी में अब पूछा क्या है। प्रोजेनी में अगर होमो पूछा होगा तो दैट शुड बी 1/4, ये जो है 1/4 हो जाएगा, एंड अगर यहां पे हेटरो पूछा होगा तो ये हो जाएगा 1/2, दिस इज द केस। सो हेटरो के केस में आपको चेक करना है, अगर दोनों हेटरो है तो होमो की प्रोबेबिलिटी 1/4 और हेटरो की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। एक एक जीन को लेके चलना, जब मल्टीपल जीन्स दे देते हैं ABCDE तो उसमें एक एक जीन को ये रूल अप्लाई करना है, 1, 2, 3 पे और मल्टीप्लाई करते चले जाना है और फाइनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी चीज को अप्लाई करता हूं, देखो पिछले वाले एग्जांपल में जो दिया हुआ है यहाँ पे कि ये है आपका दिस वन, ये जो दिया हुआ इस कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल से स्मॉल डी कैपिटल स्मॉल ई, इसमें ABCDE पूछ रहा है, सब स्मॉल 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 पूछ रहा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्या, अगर देखिएगा कि मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा, तो एक पेरेंट को दे दिया है और उसी के हिसाब से वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो रहा है, तो आपका दूसरा पेरेंट भी वही होगा, कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल जे स्मॉल डी कैपिटल स्मॉल ई। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है तो एक पेरेंट ऐसा है तो दूसरा पेरेंट भी यही होगा, कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल डी कैपिटल स्मॉल ई, ये आपका चल रहा था। ठीक है, तो अब इस केस में, अब इससे कोई यहां पे ना समझे कि मैं इसका टाइप बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका तीन वाला केस था। ठीक है, जो बताया गया था कि पेरेंट क्या सीन बन रहे थे। नाउ अब इस पर्टिकुलर केस में सी ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, इस पर्टिकुलर केस में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोजेनी का AABBCCDEE बताना है, होमो रिसेसिव वाला पार्ट। जरा सा देखो जनाब इसको, ये है हेटरो और ये है हेटरो,
अगर दोनों हेट्रो है, पूछा है होमो, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्मॉल स्मॉल की? होमो पूछा है तो 1/4 होगी। ये भी हेट्रो है, ये भी हेट्रो है, पूछा क्या है होमो, क्या हो जाएगा 1/4। ये देखो होमो है, ये देखो होमो है, प्रोबेबिलिटी आंख मुंद के 1। ये देखो होबो है, ये देखो होमो है, प्रोबेबिलिटी आंख मुंद के 1। ये हेट्रो, ये हेट्रो, दोनों हेट्रो, पूछा क्या है आपका होमो, तो 1/4। इसको जब सॉल्व करोगे दिस शुड बी 1/64। इस तरीके का केस जो है आपका आ जाना चाहिए। तो अब इसमें है ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, जब इसमें बात आती है कि एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो एज्यूमिंग अब एक्चुअली गैमिट के ऊपर बात की जा रही है, ठीक है। तो व्हाट शुड बी लाइक गैमिट प्रिपरेशन के ऊपर बात करते हैं, तो यहाँ पे ये तो प्रोजेनी के ऊपर बात की गई थी, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखना कि प्रोजेनी इस तरीके से बनेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गैमिट। ये जो है ये प्रोजेनी के ऊपर मैंने बता दिया कि ये यहाँ पे जो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में मैंने पूछा कुछ और गया है, मैंने ऑल्दो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दिया, वो आपके आगे भी काम आएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया देखिएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी, कैपिटल स्मॉल ई। अब गैमिट क्या बनेगा? गैमिट बनने के लिए प्रोबेबिलिटी 2 होती है। इसके पास देखो गैमिट बनने की प्रोबेबिलिटी ए है, इसके पास स्मॉल ए है, मतलब होमो की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। जब गैमिट की बात करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोजेनी, अब प्रोजेनी की बात नहीं कर रहे हैं। गैमिट में देखिए, अगर होमो होगा, अगर होमो होगा तो गैमिट बनने की प्रोबेबिलिटी होगी 1, और हेटेरो होगा तो गैमिट बनने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। सिंपल सी बात है, होमो है तो 1 और हेट्रो होगा तो 1/2। एग्जैक्टली यहां पे देखिएगा क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, एंड उसके बाद स्मॉल सी डी स्मॉल डी, कैपिटल स्मॉल ई। पूछा गया है ए बी सी डी ई की गैमिट बनने की, इससे ए 2 गैमिट बनेंगे, प्रोबेबिलिटी चाहे कैपिटल ए करो तो भी 1/2, एंड स्मॉल ए करो तो भी 1/2। हेट्रो के लिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए अगर कैपिटल ए स्मॉल ए है, अगर आपके पास कैपिटल स्मॉल है तो इससे एक कैपिटल ए बन सकता है और इससे एक स्मॉल ए बन सकता है। तो कैपिटल ए 2 में से एक बना तो 1/2, स्मॉल ए बना तो 1/2। ये जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। तो एग्जैक्टली जो है आपके हेट्रो में वो बनते हैं 1/2 वाला कॉन्सेप्ट। अगर ये होमो होता तो डेफिनेटली इसमें सिर्फ एक ही गैमिट बन जाता ए, क्योंकि कुछ और कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए हेट्रो की गैमिट बनने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और यहाँ पे गैमिट बनने की 1/2। होमो है तो 1, होमो है तो 1, हेट्रो है तो 1/2। दैट्स व्हाई 1/2 ये जो हो जाएगा 1/8। ये जो है गैमिट बनने की प्रोबेबिलिटी है, ये जो क्या है गैमिट बनने की प्रोबेबिलिटी है। और ये जो है आपका बेसिकली पूछा जाए होमो और हेट्रो, जो जो यहाँ पे मैंने बताया दिस इज लाइक ए प्रोजेनी है होमोजाइगस, उसकी प्रोबेबिलिटी है। और गैमिट के ऊपर हम एक और फॉर्मूला आपको बताए हुए थे, किसी को अगर याद हो, दैट इज 2^3। एक और फॉर्मूला है शॉर्ट फॉर्मूला के, व्हेन यू सी लाइक गैमिट के ऊपर एक फॉर्मूला बताया गया था, दिस इज लाइक 2^3 एन। एन का मतलब है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट, अगर इसमें देखोगे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट 1, 2 और 3 थे, तो यहाँ पे 2^3 कर देते, दैट वुड बी 8। तो प्रोबेबिलिटी हो जाती 1/8 की, ठीक है, इस गैमिट के बनने की 1/8 की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो यू कैन सॉल्व इट मल्टीपल मेथड, चाहे आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी मेथड अप्लाई करिए। मैंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोजेनी का भी दे दिया, और आप या तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आप इन चीजों में से कोई भी यूज करिए, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, दैट इफ द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल इन जी1 फेज ऑफ द सेल साइकिल इज सी, व्हाट विल बी द कंटेंट आफ्टर मायोसिस इज कंप्लीटेड। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, इफ द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल इन जी1 फेज ऑफ सेल साइकिल इज सी, व्हाट विल बी द कंटेंट आफ्टर मायोसिस इज कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो देखिएगा कि मायोसिस के ऊपर बात कर रहे हैं, जी1 फेज में है। तो ट्राई टू सी, जी1 फेज में जब चीजें होती है तो बड़ी आसानी से होती, कैसे होंगे देखिएगा। जी1 फेज में जब आपको सेल साइकिल का फेज याद होना चाहिए, जी1, उसके बाद क्या आता है एस फेज, उसके बाद क्या आता है जी2, एंड जी2 के बाद आता है एम फेज, और एम फेज में ही या तो माइटोसिस हो सकता है या तो मायोसिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, माइटोसिस है या मायोसिस है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जी1 फेज में कोई भी चीज है जो सी है, अगर जी1 फेज में कोई भी चीज है सी, सी के बाद अब देखिएगा कि मियोसिस होता है, तो ये 2 तरीके का होता है, 1 और 2। और जिसको 1 का पता नहीं है मैं बता देता हूं, 1 में जो होता है क्रोमोजोम भी हाफ होता है, क्रोमोजोम भी हाफ होता है और डीएनए भी हाफ होता है, क्रोमोजोम भी हाफ होता है और डीएनए भी हाफ होता है। और जब हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड में, तो यहाँ पे सिर्फ डीएनए हाफ होता है, डीएनए हाफ होता है, क्रोमोजोम हाफ नहीं होता।
ठीक है। तो अगर मैं क्रोमोजोम को भी लेके चलूं तो क्या हो जाएगा, मैं दोनों बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पे क्या हो जाएगा कि एस फेज में सी जो हो जाएगा, सी की जगह यहां पे हो जाएगा, जब डुप्लीकेट करेगा, डुप्लीकेट करेगा तो इट विल बी फोर, इट विल बी टू सी, ठीक है। ये अगर सी कंटेंट था तो अब ये टू सी हो जाएगा एस फेज में, बिकॉज यहां पे डुप्लीकेशन या रिप्लीकेशन होगा, देयर इज रिप्लीकेशन, ये रिप्लीकेट किया है क्या डीएनए, डीएनए रिप्लीकेट किया तो अपने कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, डबल करने के बाद जी टू में कोई फर्क होगा नहीं, टू सी चलता रहेगा, चल रहा है। फिर माइटोसिस में आया, यहां पे मियोसिस वन में डीएनए हाफ हो रहा है तो यहां पे ये हो जाएगा सी, डीएनए हाफ किया है सी हो जाएगा। अगर इसके अलावा जो है ये नॉर्मली समझने की कोशिश करेगा, इसमें क्रोमोजोमन नंबर एन था, यहाँ पे भी नंबर एन चलेगा क्योंकि नंबर डुप्लीकेट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये हो गया एन, एन के बाद यहाँ पे क्रोमोजोम हाफ होगा तो ये हो जाएगा एन बाई टू, ये देखिएगा एन बाई टू क्रोमोजोम हो गया। अब इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन डीएनए का सी था, अब डीएनए हाफ यहाँ पे करेंगे तो डीएनए सी बाई टू हो जाएगा मियोसिस टू में, मियोसिस टू में डीएनए का हाफ होगा, क्रोमोजोम का हाफ नहीं होगा, तो इसके पास जो बचा रहेगा n by 2 बचेगा। तो this is the case, आपका जो concentration था c, अगर meiosis के बाद देखेंगे तो उसका half हो जाता है क्योंकि बीच में एक जगह duplication होता है, एक जगह half होता है, तो कोई फर्क रह नहीं जाता। यहाँ पे जो duplication हो रहा था s phase में, ultimately meiosis 1 में half होने की वजह से वो फिर से c में हो जाता है, फिर एक ही DNA half होता है, इसलिए c by 2 हो जाएगा, और n जो होता है सिर्फ और सिर्फ आपके meiosis 1 में half होता है, तो n by 2 और ये n by 2 हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या आंसर हो जाना चाहिए था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि सी कंसंट्रेशन था तो जी वन फेज में था, इसको जी मियोसिस कंप्लीट होने के बाद ये हाफ सी जो बचेगा सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। सो दिस इज द केस जो कि यहां पे आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प ले सके और क्रैक कर सके अपना ड्रीम एग्जामिनेशन। सो लेट्स कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू रियलिटी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।